भाई स्ट्रीम पे कोई ना आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो गाइस, क्योंकि हम लोग डेली 100 रुपीज़ का टूर्नामेंट करते हैं जिसमें आप लोग एकदम ही फ्री ज्वाइन हो सकते हो भाई, फ्री गेम खेल सकते हो, डेली होता है कस्टम। इसके अलावा डेली एक या दो चैनल पर लाइव रेड होता है जिसमें आपका भी चैनल हो सकता है, आपको भी मिल सकता है सपोर्ट। एंड भाई गेम खेलो, इन्जॉय करो, जीतते हो तो पैसे का भी इन्जॉय करो। और भाई जिस पर रेड करते हमारा रिक्वायरमेंट ये रहता है कि जब टूर्नामेंट स्टार्ट होता है उसके 5 मिनट पहले मतलब हम रेड पे जाते हैं, 5 मिनट रेड करते उसके बाद गेम चालू करते, तो रिक्वायरमेंट ये रहता है कि 20 बंदा लाइव आ जाएगा, उनको लेके रेड पे जाएंगे, वो लोग स्पैम करेगा 5 मिनट, फिर आके स्ट्रीम हो जाएगा, मतलब रूम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो भाई 45 बज चुका है और हमारा टूर्नामेंट होने वाला है स्टार्ट, तो 1 2 3 एंड लेट्स गो गाइज। तो भाई आज का टूर्नामेंट यहाँ पे हो चुका है स्टार्ट और प्लेन आ चुका है एरेंगल पे, और प्लेन जो जा रहा है जॉर्ज पुल से जासना। तो भाई यहाँ पे हॉट ड्रॉप देखने को मिलेगा, जॉर्ज पुल का कंटेनर, जॉर्ज पुल का 2 सिटी। इसके अलावा भाई यहाँ पे रोजोक सेवर्नी जासना स्कूल अपार्टमेंट एंड लिपोप का बंदा यहाँ पे नॉकआउट, एक का डैमेज हो चुका है और यहाँ पे क्यूजी ईगल नॉकआउट इनको भाई खत्म कर देगा आई थिंक, मुझे लग रहा है इरशाद, तो भाई साहब यहाँ पे इरशाद इसको खत्म किया क्यूजी ईगल को, और 3 बंदे थोड़ा दूर, तो यहाँ पे फाइट नहीं होगा मुझे लग रहा है, जासना में फाइट होने का चांसेस है। तो भाई यहाँ पे देखते पांडा का टीम का बंदा पहले से मतलब डेली जो है गवा देते एक दो बंदे पहले से ही, और यहाँ पे भाई साहब AEW वर्सेस RGT का टीम का यहाँ पे फाइट भाई देखना पड़ेगा गाइस। यहाँ पे रोज को नॉकआउट कर चुकी है, यहाँ पे कैंपर बनी कैंपर नॉकआउट हो चुका है भाई साहब। एंड भाई देखते यहाँ पे डिक्टेटर पीछे से डैमेज देने का कोशिश, पीछे आया डिक्टेटर, यहाँ पे भाई साहब मदारा को डैमेज देने का कोशिश, लेकिन डिक्टेटर भी नॉकआउट। यहाँ पे सीन्स आ गया और RGP का टीम टोटली यहाँ पे फिनिश हो चुका है। यहाँ पे भाई नॉकआउट कर सकता था लेकिन बहुत ही स्टेडी खेल रहा है बंदा, बहुत अच्छा रोटेशन किया लेकिन स्टडी खेल रहा है। आई थिंक इनका फुटस्टेप यहाँ पे आ चुका है और भाई यहाँ पे गुड्स्टी को यहाँ पे नॉकआउट करने का सोच, बहुत ही डैमेज कर चुका है लगभग 80%, और पीछे मुजीब के ऊपर आई थिंक आ रहा है। यहाँ पे सईद को यहाँ पे डैमेज दे चुका है सामने है। यहाँ पे भाई साहब मैं बोला था कि मुजीब के ऊपर ये लोग पुश करेगा दोनों मिल के, तो भाई यहाँ पे अभी 3 vs 3 देखने को मिल रहा है। सईद यहाँ पे आया और देखते भाई यहाँ पे ऊपर डैमेज गुड्स्टी यहाँ पे नॉकआउट, रोहित सामने, और आई थिंक पूरे टीम अभी यहाँ पे जो है रश करने का कोशिश करेगा। पीछे आया और पीछे से पड़ते हुए को डैमेज, यहाँ पे रोहित को नॉकआउट किया भाई, फिनिश करेगा मुझे लग रहा है गुड्स्टी को भाई, यहाँ पे डैमेज किया लेकिन बंदे को रिवाइव दे देगा मुझे लग रहा है। यहाँ पे सईद भी नॉकआउट, लास्ट उम्मीद इस टीम का देखना पड़ेगा। यहाँ पे आ गया है शॉर्ट गन से मारने का कोशिश, लेकिन भाई मैं यहाँ पे क्यूजी का टीम के साथ यहाँ पे फाइट चल रहा है, QG9 यहाँ पे भाई नॉकआउट हो चुका है एकदम ही, एंड बहुत ही गंदा जगह पे मिस्टर इम्परफेक्ट यहाँ पे नॉकआउट हो चुका है, इमरान ने मारा। QG राइडर इस टीम का आखिरी उम्मीद यहाँ पे भाई रिवाइव दे रहा है और यहाँ पे इरशाद जो है पुश करने का कोशिश, बहुत ही स्टेडी खेल रहा है, 2 बंदा नॉकआउट फिर भी एक साथ रश करने का सोच ये लोग का, कोई अकेला नहीं जा रहा है। यहाँ पे QG9 अकेला क्या कर पाएगा देखना पड़ेगा ब्रो, तो एक बंदा यहाँ पे सक्सेसफुली रिवाइव हो चुका है। यहाँ पे दूसरा बंदा आया और भाई यहाँ पे खत्म किया, इरशाद को नॉकआउट किया यहाँ पे भाई साहब, यहाँ पे RGP का और भैंप्रो को यहाँ पे नॉकआउट किया भाई, तो नॉकआउट करके यहाँ पे भाई साहब QG का बंदा यहाँ पे, तो देखना पड़ेगा गाइस यहाँ पे मोहम्मद यहाँ पे आ चुका है लास्ट बंदा भाई इरशाद की टीम का, यहाँ पे भाई आ जाने का कोशिश लेकिन QG का टीम को ख़त्म करते हुए भाई टीम एक्स डार्क के भाई बंदे यहाँ पे भाई साहब गाड़ी के फूट के यहाँ पे मर चुका है 2 बंदे, एक बंदा यहाँ पे नॉकआउट यहाँ पे हील दे चुका है बंदे को, और यहाँ पे सनोक यहाँ पे आगे आते हुए भाई साहब आदित्य यहाँ पे सनोक को डैमेज देने का कोशिश, और ग्रेनेड आ गया भाई, बहुत हार्ड ग्रेनेड आया, एक बंदे का हील लगभग 60% ख़त्म हुआ, 20% अभी बचा है क्योंकि बंदे का बस एक हेल्थ किट लगाया था। एंड देखते हैं यहाँ पे पूरे टीम को यहाँ पे घेर चुका है और ग्रेनेड से एक बंदा डार्क यहाँ पे नॉकआउट हो चुका है, तो भाई कथा ख़राब ग्रेनेड यहाँ पे आ रहा है एकदम, यहाँ पे सही यहाँ पे आया और इसको ख़त्म किया। यहाँ पे आदित्य अकेला, ध्रुव पीछे से आते हुए, ध्रुव को कथा यार नॉकआउट किया बंदे, यहाँ पे 1 HP क्लच तो नहीं हो पाएगा भाई, बैरल से बहुत अच्छा यहाँ पे नॉकडाउन किया बंदे को, और यहाँ पे रश करना मुझे लग रहा है थोड़ा मुश्किल है, यहाँ पे CISI आगे जा रहा है एकदम ही, और यहाँ पे ग्रेनेड करने का सोच, यहाँ पे बेल्टू यहाँ पे नॉक हो चुका है, यहाँ पे सिंजो को यहाँ पे नॉकआउट किया भाई CISI का बंदा, और ग्रेनेड जा रहा है आगे बंदा स्मोकिंग को यहाँ पे डैमेज देने का कोशिश, यहाँ पे बहुत अच्छा भाई नॉकआउट निकाला,
एंड भाई खत्म किया अभी भाई साहब यहाँ पे BW परफेक्ट यहाँ पे आगे आके तो यहाँ पे जोकर भाई सामने से बग्गी निकलते आते हुए भाई LW की टीम के साथ यहाँ पे मॉन्टी ऊपर आया यहाँ पे एक से महिंद्रा को भाई गिरा चुका है गाड़ी से। यहाँ पे भाई साहब फारूक ने बहुत अच्छा भाई बग्गी से यहाँ पे उड़ाया सामने मॉन्टी है तो भाई मॉन्टी को अगर नॉकआउट करेगा तो यहाँ पे जो है TLW का टीम टोटली खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छा ग्रेनेड निकाला यहाँ पे ग्रेनेड करने का कोशिश लेकिन गंदा ग्रेनेड यहाँ पे देखने को मिल रहा है और बंदा नॉकआउट नहीं होगा मुझे लग रहा है। लेकिन फारूक के पास इतना अच्छा ग्रेनेड आया भाई और LW यहाँ पे भाई साहब और एक कर रहा है ग्रेनेड और आई थिंक ये ग्रेनेड से फारूक जाएगा तो कथा यार्ड यहाँ पे ग्रेनेड देखने को मिला और यहाँ पे मॉन्टी रिवाइव देने का कोशिश लेकिन यहाँ पे जगेल यहाँ पे नॉकआउट करेगा एंड भाई मनोज यहाँ पे भाई नॉकआउट हो चुका है। CISI का टीम बचाना थोड़ा मुश्किल मुझे लग रहा है और यहाँ पे ईगल के बंदे यहाँ पे आ चुका है भाई टोटली मॉली वॉली करके एकदम पूरे बंदे को यहाँ पे खत्म किया भाई साहब। फाइट चल रहा है और जोन जो है बहुत ही तगड़ा आ गया और BW का बंदा यहाँ पे लेने का कोशिश लेकिन नॉकआउट हो जाएगा ये बंदा और यहाँ पे इनसाइडर अकेला है इस वाले लास्ट बंदे का यहाँ पे लेकिन ये स्प्रे देने के कोशिश पहले बंदे को हिल लेना चाहिए था। AZ फ्लॉक ही यहाँ पे ये वाली टीम को ख़त्म करते सुमित पीछे आया और एक ही टीम जो है AZ का टीम यहाँ पे लास्ट सुमित बचा है यहाँ पे और देखते हैं यहाँ पे जगेल का डैमेज बहुत हो चुका है यहाँ पे मिस्टर एक्स यहाँ पे और फारूक का टीम बहुत अच्छा खेलते हुए यहाँ पे पूरे टीम को ख़त्म किया। बहुत अच्छा ये टीम और बॉय यहाँ पे नॉकआउट यहाँ पे होके ख़त्म कर देगा इसको और ऊपर से आ रहा है K4D रोर का बंदा यहाँ पे दो बंदे यहाँ पे जो है गवा चुका है और यहाँ पे भाई बंदे को मिल रहा है रिवाइव तो भाई पीछे से पड़ते हुए बहुत अच्छा राज को नॉकआउट किया यहाँ पे भाई साहब K4D रोर ने यहाँ पे नॉकआउट मोनोडोर को नॉकआउट किया लेकिन भाई साहब बंदे यहाँ पे नॉकआउट हो चुका है और K4D का टीम टोटली यहाँ पे ख़त्म सॉरी दूसरा जो AZ क्या था भाई एसिड का टीम यहाँ पे टोटली खत्म एंड भाई देखते हैं यहाँ पे K4D का सेकंड लाइनअप यहाँ पे आगे जा रहा है भाई साहब MCS का टीम फाइट कर रहा है और यहाँ पे अंकित BMR का टीम बहुत अच्छा पोजीशन में है। AZ का टीम का एक बंदा यहाँ पे नॉकआउट भाई सामने टोटली बंदे ही बंदे फ्लॉकी यहाँ पे नॉकडाउन हो चुका है इनको मिल रहा है रिवाइव K4D की टीम को यहाँ पे रिवाइव मिल चुका है भाई साहब। यहाँ पे ईगल भाई लास्ट जोन में भाई इतना ज़्यादा फाइट होता है क्या ही बताया भाई जोन के बाहर जा चुका है गॉड एक्स को इनको रिवाइव देना थोड़ा मुश्किल मुझे लग रहा है। यहाँ पे भाई साहब निकल रहा है गाड़ी लेके एंड भाई साहब इतने बंदे के बीच से जा रहा है तो भाई यहाँ पे देखना पड़ेगा भाई क्या ही दिखा इतने बड़े जोन के अंदर सॉरी इतने छोटे जोन के अंदर इतना ज़्यादा बंदा यहाँ पे LW भाई साहब यहाँ पे जिगल को यहाँ पे ख़त्म करते हुए सामने रावण और DMR सबको ऊपर तो ये बंदा बहुत अच्छा जिगल देते देते ऊपर जा रहा है ऊपर से डैमेज आ चुका है DMR सबको के पास सबको को यहाँ पे डैमेज दिया भाई एक गोली कनेक्ट हो चुका है और यहाँ पे भाई साहब MCS का बंदा भी गाड़ी लेकर ऊपर आने का कोशिश यहाँ पे सॉरी असीम यहाँ पे आ गए है DMR सबको यहाँ पे तो देखते भाई साहब यहाँ पे जो MCS का बंदा टोटली फंस चुका है यहाँ पे और TLW का लास्ट बंदा यहाँ पे लास्ट उम्मीद आगे जा रहा है ग्रेनेड करके आगे जाने का कोशिश यहाँ पे जोन भी जो है आ रहा है बहुत ही तगड़े से 15 बंदे भाई यहाँ पे जिंदा है 7 टीम इतना छोटा सा टीम में यहाँ पे DMR को टीम को ख़त्म करके कर पाएगा उसके बाद भाई जोन में आ जाएगा सामने है भाई यहाँ पे DMR एंड भाई यहाँ पे जो है टीम TLW तो भाई साहब यहाँ पे देखना पड़ेगा बंदा क्या कर पाएगा लेकिन भाई साहब ये बंदा जो है नीचे गिर रहा है और भाई बहुत अच्छा आगे जा रहा है ये बंदा टीम TLW बहुत अच्छा भाई यहाँ पे बहुत ही डोमिनेटिंग खेलने को देखने मिल रहा है आगे जा रहा है बंदा और DMR का टीम को यहाँ पे क्रॉस कर चुका है पूरे असीम को आई थिंक यहाँ पे नॉक ख़त्म करेगा मुझे लग रहा है टीम TLW कथा यार्ड यहाँ पे AZ खत्म और सुमित को पीछे से डैमेज देते हुए AZ पांडा यहाँ पे भाई साहब खत्म कर चुका है। देखते भाई यहाँ पे जो है सही का टीम आगे यहाँ पे AZ का टीम और यहाँ पे K4D का पूरे टीम इस जगह पे देखने को मिल रहा है रावण आगे है और जोन जो हुआ है भाई साहब एकदम सैनोक के पास ये बंदा अकेला सोलोवर से स्क्वाड कथई हार्ड जो है सर्वाइव कर चुका है और स्मोक पे स्मोक यहाँ पे भाई गाइस देख सकते हो पूरे स्मोक पे स्मोक यहाँ पे हो चुका है कथई हार्ड भाई यहाँ पे कितने सारे स्मोक है ऊपर है भाई AZ का टीम यहाँ पे अंकित का टीम इधर AZ का टीम अंकित को यहाँ पे भाई डैमेज पड़ चुका है AZ पांडा का कतई हार्ड स्प्रे लास्ट में आके देखने को मिल रहा है भले ही 0 किल है और भाई यहाँ पे राहुल बहुत अच्छा पोजीशन में जो है AZ के टीम के
तो गॉडविन यहाँ पे भाई जिंदा होता तो आई थिंक कुछ प्लस दिखा देता। यहाँ पे जो ईगल प्रो भाई सामने बहुत ही सामने आ चुका है, जोन के अंदर आने का कोशिश किया, लेकिन सबसे अच्छा पोजीशन अभी जो है डीएमआर के टीम के पास है, क्योंकि सामने टोटली जो है बंदे देखने को मिल रहा है एकदम इतने सारे बंदे। और के फोर डी ईगल को यहाँ पे ऊपर से एक केएम से भाई डैमेज पड़ रहा है बंदे को, और भाई साहब यहाँ पे नॉकआउट तो किया जाएगा जरूर। पांडा का टीम उधर से डैमेज दे रहा है भाई, के फोर डी ईगल बहुत ही गंदा फंस चुका है के फोर डी का टीम। एक बंदा यहाँ पे लास्ट उम्मीद यहाँ पे बचा है, तो देखना पड़ेगा राहुल यहाँ पे नॉकआउट और ख़त्म हो जाएगा एसी का पांडा को यहाँ पे ख़त्म करते हुए भाई। यहाँ पे जो है लास्ट दो स्क्वाड यहाँ पे बचा है K4D का टीम वर्सेस यहाँ पे DMR का टीम। तो DMR का टीम के पास बहुत ही अच्छा पोजीशन था, और लास्ट बंदा इनको पता है भाई यहाँ पे रावण, इनको पता है भाई लास्ट बंदा यहाँ पे है अंकित, तो भाई साहब अंकित को यहाँ पे डैमेज दिया, नॉकआउट किया भाई रावण पीछे। तो देखना पड़ेगा भाई DMR, इनको आई थिंक यहाँ पे पोजीशन पता चल चुका है। फ्लॉकी आगे आ रहा है और अंकित फिर से फ्लॉकी को डैमेज, नॉकआउट कर सकता है। दो बंदे लास्ट यहाँ पे जिंदा, यहाँ पे रावण आया, यहाँ पे रावण को भी डैमेज किया भाई, तीन बंदे यहाँ पे क्लच, और लास्ट DMR सक्कू लास्ट बंदा यहाँ पे जिंदा है। यहाँ पे अंकित आगे आते हुए K4D का टीम बहुत अच्छा, यहाँ पे ग्रेन मॉली कर चुका है असीम के ऊपर, यहाँ पे मॉली लग चुका है, और भाई लास्ट बंदा यहाँ पे DMR ने यहाँ पे खत्म कर चुका है भाई K4D का टीम। लास्ट में कतई हार्ड खेला भाई अंकित ने, कतई हार्ड बंदे को यहाँ पे नॉकआउट किया भाई साहब, लेकिन यहाँ पे ASG का टीम यहाँ पे जीत चुका है आज का